मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल पर लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र में फंसे यूपी के मजदूरों एवं उनके परिवार वालों के घर वापसी के लिए मुंबई से चली दो श्रमिक स्पेशल ट्रेन सोमवार को गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची। पहले ट्रेन में 1147 लोग तथा दूसरी ट्रेन में 982 मजदूरों और उनके परिवार वालों को मिलाकर कुल करीब 2129 लोगों को रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई और उन्हें बसों द्वारा उनके घर भेजा गया। इस दौरान किए गए मेडिकल चेकअप में कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ नहीं मिला। इन श्रमिकों को पहले गांव के बाहर बने क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिनों के लिए रखा गया। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रेलकर्मी, जीआरपी, आरपीएफ, स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी अपने तय स्थानों पर मौजूद रहे। जैसे ही श्रमिक स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची, पहले से मौजूद एसपी, जीआरपी पुष्पांजलि, आरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट आरएस सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव कोच में गए और एक एक कर कोच से लोगों को उतरवाया और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बने सर्कल में खड़ा करवाया। उधर आसपास के जिलों की तहसील के मुताबिक बसें खड़ी थीं। थर्मल स्कैनिंग और उनका ब्यौरा नोट करने के बाद बैरिकेडिंग के रास्ते लोगों को बसों में बैठाया गया। सुबह करीब 8 बजे तक सभी बसें रवाना कर दी गईं। श्रमिक सोशल ट्रेन में 24 कोच लगाए गए हैं। इस ट्रेन के आने से पहले प्लेटफॉर्म की सफाई कर सैनिटाइज किया गया था। इसके बाद रेलवे के अधिकारियों ने प्लेटफॉर्म का निरीक्षण भी किया। महाराष्ट्र से आई श्रमिक स्पेशल के यात्रियों ने योगी सरकार को धन्यवाद दिया। इन यात्रियों ने कहा कि हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अपने घर जाएंगे, पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से अब हम घर पहुंच गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ट्रेन से आए यात्री कुलदीप, रेणु कुमारी व एसपी रेलवे पुष्पांजलि देवी और एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा। ये आपको कोरोना बीमारी से बचने के लिए काफी लाभदायक ऐप है। ये आरोग्य सेतु ऐप आप लोग डाउनलोड करें, ये आपको बीमारी से बचने में काफी लाभदायक ऐप है। आपको बीमारी से बचने के लिए आरोग्य सेतु ऐप आप लोग जरूर से जरूर इंस्टॉल करें। अगर किसी को समस्या हो रही है आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने में तो हमसे पूछ ले या फिर अगल बगल जो है उनसे पूछ के आप संपर्क कर लें। और यहाँ पे एक टेंट भी लगाया गया है आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने के लिए, जिसे भी समस्या हो वहाँ पे जाके आप
पूछ के अपना इंस्टॉल कर सकता है। चलो फोन काटो पहले, रोक से डाउनलोड करो। चलो हो गया है। आप क्यों भाई, आप किए हैं, ये इनका बताइए, एक दूसरे को भी बता दीजिए। कुलदीप मुंबई वसाई रोड, 24 घंटा, 1 महीना, सुबह 5:33 पहुँचे घर आता लक्ष्मणपुर गंगापुर श्रावस्ती बिनका रेणु कुमारी मुंबई। कितना टाइम लगा यहाँ पे गोरखपुर आने में? 24 घंटे। कितने दिन से फंसे थे वहाँ पे? 3 दिन। अभी घर कहाँ आपका? महाराष्ट्र से वहाँ पे स्ट्रैंडेड श्रमिकों को लेकर आज 1:30 सुबह एक ट्रेन आई है, जिसमें करीब 950 श्रमिक महाराष्ट्र से यहाँ पर आए हैं। और इसके संबंध में हमने सबसे पहले ये व्यवस्था की कि जो यात्री यहाँ पर उतरे, यहाँ पर बहुत आराम से कंफर्टेबली बिना किसी परेशानी के वो अपने उतर कर अपने घरों को जा सकें, इस हेतु और उनकी कोरोना से बचाव हेतु सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर किया गया। उसके लिए हमने प्लेटफॉर्म पर 1.5 मीटर की दूरी पर गोले बनवाए और आरपीएफ जीआरपी और रेलवे प्रशासन की तरफ से सभी कर्मी डिप्लॉय किए गए और साथ में हमने ये किया कि एक ही कोचेस से लोगों को उतरवाए ताकि वो बारी बारी से अपना थर्मल स्कैनिंग कराते हुए अपने अपने जिलों के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाएं और वहाँ पर अपना नाम पता मोबाइल नंबर कोड संख्या इत्यादि रजिस्टर कराकर जो यहाँ पे बसेस लगी हुई हैं वहाँ पे बैठे और इन बसेस में बैठकर अपने घरों को रवाना हो। जैसा आप जानते हैं कि पुलिसकर्मी जब अपनी ड्यूटी करता है तो उसको स्वयं की सुरक्षा करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति इन्फेक्ट होता है तो उससे हमारा जो पुलिस बल क्योंकि साथ में रहता है तो उससे बहुत ज़्यादा लोगों के इन्फेक्ट होने की संभावना होती है। और यदि पुलिस बल क्वारंटाइन हो जाता है तो ड्यूटी करने के लिए कोई और उपलब्ध नहीं होता, इसलिए हमने मैक्सिमम प्रयास किया है कि जो पुलिसकर्मी है वो कोरोना से बचाव हेतु सभी पूरा गियर पहने और अपनी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। उसके लिए हमने फेस शील्ड उपलब्ध कराई है, गॉगल्स मास्क ग्लव्स हेयर मास्क इत्यादि सब उपलब्ध कराए गए हैं, सैनिटाइजर उपलब्ध कराए गए हैं, ब्रीफिंग दी गई है और लगातार लोग इन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। इन किट के बिना किसी को यहाँ पर डिप्लॉय जीआरपी की तरफ से नहीं किया गया। अभी कोई निश्चित संख्या नहीं बताई जा सकती है, लेकिन अभी जो है जैसी चर्चा चल रही है कि अभी बहुत सारी ट्रेनें निकट भविष्य में आएंगी यूपी के विभिन्न स्थानों पर और इंडिया के विभिन्न स्थलों से लोगों को लेकर अभी यूपी के बहुत सारी जगहों पर ट्रेनें आएंगी। हमने इस बार ये व्यवस्था की थी कि जो क्योंकि बहुत दूरी से यात्री आ रहे हैं तो उसमें जो बच्चे हैं उनके खाने की कुछ व्यवस्था हो जाए, इसलिए हमने केले और पानी बच्चों के लिए बंटवाए इस बार। साथ में क्योंकि ये ट्रेनें भविष्य में भी आने की संभावना है तो हमने एक रोस्टर बनाया हुआ है, जैसे थाना पर जो उपलब्ध पुलिस बल है उसका 50% करके रोस्टर बनाया गया। एक ट्रेन रात को 1:30 बजे आई थी, लगभग 1150 के आसपास यात्री थे, वो लोग अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको हम लोगों ने उनके टेस्टिंग करके बसों के माध्यम से उनको रवाना कर दिया है। 5:15 पर दूसरी ट्रेन महाराष्ट्र से आई है,
इस ट्रेन में डिस्ट्रिक्ट वाइज स्कैनिंग करके उनका रिकॉर्ड बनाते हुए सभी यात्रियों को बसों के माध्यम से उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। सर आगे भी जो भी शासन का निर्णय होगा, जहां से भी ट्रेन आएगी, हम लोग उसको व्यवस्थित ढंग से सोशल डिस्टेंस बनाते हुए, और एक ट्रेन के जाने के बाद पूरा प्लेटफॉर्म सैनिटाइज कर दिया जाता है, पूरा सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों की स्कैनिंग करा के उनको जिलेवार बसों में बैठा के उनको रवाना कर रहे हैं। और बसों में बिस्किट्स हैं, पानी है, जो आवश्यक नाश्ते की सामग्री है, वो सब दे के रवाना किया जा रहा है। सर कितने बसें लगाई हैं? 60 बसें लगाई गई हैं, जिसमें से अभी 25 बसें जा चुकी हैं और आगे की बसों भर रही हैं। 25 और 30 के एवरेज में उन पर सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बिठा के भेजा जा रहा है।